सो लास्ट टाइम वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? हमने एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट किया था, डिस्कस्ड इन द सिमिलर वे वी आर हैविंग द डेफिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास यूनिट. ओके, इन द सिमिलर वे वी आर हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास यूनिट, दैट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल. Is the mass of that molecule? Mass of that molecule divided by 1/12 of mass of कार्बन एटम. ओके, तो जैसे आपने एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे मॉलिकुलर मास यूनिट जो है वो डिफाइन करना है. तो उसमें आप मास ऑफ एटम लेते हो, यहां पर मैं मास किसका ले रही हूँ, मॉलिक्यूल का मास ले रही हूँ. ओके, एंड नीचे वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है दैट वी आर टेकिंग एज कार्बन इटसेल्फ, तो नीचे वाली हम चीज नहीं चेंज कर रहे हैं, दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम. इज दैट क्लियर? सो फॉर द मॉलिक्यूलर मास यूनिट, फॉर द एटॉमिक मास यूनिट, वी नॉर्मली Define them as AMU or simply U, ठीक है? हम इनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? और U, U means यूनिफाइड मास, U means यूनिफाइड मास. ओके, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम और व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. जब हमने किसी का भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो है एटम का या मॉलिक्यूल का, जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, देन दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, द मास ऑफ एनी एटम और द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तब हम जी लगाते हैं साथ में, वी राइट स्मॉल जी, ठीक है? जैसे आपने कार्बन का लिखा 16 ग्राम भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन का 16U भी लिख सकते हो. यू शोइंग हेयर इज यूनिफाइड मास, ठीक है? जी हेयर शोइंग ग्राम एटॉमिक मास. तो दोनों सेम है. ओके, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग दैट इन ग्राम्स एंड दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, एंड व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग दैट एज द एटॉमिक मास यूनिट, तो फिर आप क्या लिख देते हो, एटॉमिक मास यूनिट है तो AMU भी लगा सकते हो और U भी लगा सकते हो सिंपली. ओके, क्लियर है बेटा? क्लियर टिल नाउ? यस रेणुका. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी मैम, मैंने जस्ट ज्वाइन किया, एक बार आप बता दो क्या किया, बेटा, तो यही समझ किया. नहीं आया. अच्छा एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफाइन किया है, तो सेम है. जैसे आप एटॉमिक मास लिखते थे, वहां पे मास ऑफ द मॉलिक्यूल है और डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है? एंड व्हेन दैट इज एक्सप्रेस्ड मैम, इन ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप साथ में जी लगा देते हो. ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैम. वी हैव डिस्कस्ड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. एटम्स का हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया है, मॉलिक्यूल्स का हमने मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया है. ओके, देन देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास. दिस इज द अनदर कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास. नाउ व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मॉलिकुलर मास कंसेप्ट. ओके, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मॉलिकुलर मास कंसेप्ट. जैसे सपोज मैंने NaCl का निकालना है, तो सोडियम का 23 देखते हैं हम, ठीक है? क्लोरीन का VC 35.5, ओके? एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास? इन द फॉर्मूला यूनिट मास,
वी विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सच सॉल्ट और सच मॉलिक्यूल्स दैट आयोनाइज इन वॉटर. यानी कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा सॉल्ट है, इफ आई एम हैविंग अ सॉल्ट दैट कैन एक्चुअली ब्रेक इन द वॉटर, दैट कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन इट सेल्फ इन टू द आयन्स इन वॉटर, जो पानी में डालने से आयन्स में चेंज हो जाते हैं, उनके लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास लिखते हैं. बट जो चीजें पानी में डालने से आयन्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो एज सच रहती हैं, उनके लिए हम सिंपल मॉलिकुलर मास लिखते हैं. इज दिस थिंग क्लियर? फॉर्मूला यूनिट मास में हमने वो वाले मॉलिक्यूल्स लेने हैं जो अपने आप को पानी में डालने से आयोनाइज कर लेते हैं. जैसे NaCl है, NaCl जो है वो टूट जाता है इन आयंस एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, तो अब इनके केस में हम क्या एक्सप्रेस करेंगे? वी विल बी एक्सप्रेसिंग द फॉर्मूला यूनिट मास, नॉट द सिंपल मॉलिकुलर मास. वी विल बी एक्सप्रेसिंग व्हाट? फॉर्मूला यूनिट मास. एंड सेम इज द केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. हेयर द कैल्शियम विल ब्रेक डाउन एज Ca2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन आयंस में स्प्लिट कर जाएगा. Okay, so here when you put them into the water, when they form different ions. Okay, so in that case, we will be saying that we are going to calculate its formula unit mass, not the simple molecular mass. ठीक है, जो अपने आप को as such नहीं रख सकते हैं, जो पानी में डालने से टूट जाते हैं ions में, उनके लिए हम formula unit mass लिखते हैं. Yes, Dhiren. मैम, फॉर्मूला यूनिट मास में जो एलिमेंट्स आयोनाइज होते हैं पानी में वो कितने हैं? बेटा डैट डिपेंड्स, जैसे KCl है वो भी K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बन जाते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके. ओके, डैट विल बी इन द फॉर्मूला यूनिट मास. मैम, सिर्फ आयंस ही पानी में डिसॉल्व आयोनाइज होते हैं, फिर कोई और एलिमेंट? मतलब ऐसी चीजें हमने लेनी है जो अपने आप को पानी में डालने से क्या कर लेती हैं, आयंस में कन्वर्ट कर लेती हैं. दैट थिंग्स वी विल बी कंसीडरिंग. ओके मैम. ओके, जो एज सच नहीं रह सकती हैं, इंटैक्ट नहीं रह सकती हैं पानी में. इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा, एनी डाउट? ठीक है, तो हम इसमें आयनिक कंपाउंड्स वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं, या सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स जो हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे. ओके, दैट फॉर्म्स आयंस. Now there is one next topic, very small topic. Atomicity. If I simply convey this topic as ki ek molecule mein kitne atoms hai, this is atomicity. Okay? एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दिस इज द एटॉमिसिटी. ओके, एंड इन प्रॉपर डेफिनेशन, इफ यू वांट टू राइट डाउन द एटॉमिसिटी, यू कैन राइट डाउन, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. Number of atoms present in a molecule, that is atomicity. For example, if I am having a molecule of calcium carbonate, ठीक है, तो इसमें कितने atoms present है? So we can see there is one atom of calcium, there is one atom of carbon, and there are three atoms of oxygen. So 3, 4 and 5. Okay, so इसकी atomicity कितनी है? 5. That means simply you have to calculate the number of atoms. That is going to give you the atomicity. Is this clear? हाँ जी बेटा, clear है ये? Okay. So based on this concept of atomicity,
योर मॉलिक्यूल्स दे आर क्लासिफाइड एज मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और सिंपली वी कैन से पॉली एटॉमिक, या हम सिंपली कह सकते हैं पॉली एटॉमिक. मोनो, मोनो मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम. ऐसे चीजें जिसमें सिर्फ एक एटम होगा दैट आर मोनो एटॉमिक. मोनो मीन्स वन. तो आपको पता है कि जो आपकी नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं, तो वो सिंगल रहती हैं. तो हेयर द मोनो एटॉमिक बिहेवियर विल बी शोन बाय द आइडियल गैसेस और यू कैन से दीज नोबल गैसेस. ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी जो हैं दे विल बी हैविंग द एटॉमिसिटी एज वन. दे आर मोनो एटॉमिक. डाई, जिसमें दो एटम्स हैं. ओके, सो वी विल बी कंसिडरिंग द मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स लाइक H2, Cl2, O2, N2, F2. ओके, दे ऑल आर डाई एटॉमिक. इनमें दो एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के, दो क्लोरीन के हैं, दो ऑक्सीजन के, दो नाइट्रोजन के एंड दो ही फ्लोरीन के हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड इज ट्राई एटॉमिक. ट्राई मीन्स तीन एटम्स वाली चीज हम अब इसमें कंसिडर करेंगे. सो कैन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2O? यस, कैन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2O दैट इज ट्राई एटॉमिक. O3, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे ऑल आर हैविंग थ्री एटम्स. एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है. 1+2, 3. 1+2, 3. 1+2, 3. 3 ऑलरेडी ऑक्सीजन लगे हुए हैं. 2+1, 3. ओके, सो दीज ऑल आर ट्राई एटॉमिक. नेक्स्ट इज टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा मीन्स चार, जिसमें चार एटम्स होंगे. P4, नॉट S4, P4, NH3, एक नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन हैं. 3+1, 4. Phosphorus 4, P4. ओके, दीज आर टेट्रा एटॉमिक. उसके बाद आते हैं पॉली एटॉमिक. पॉली मीन्स मैनी. वट इज द मीनिंग ऑफ पॉली हेयर? पॉली मीन्स मैनी, जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स हैं. ओके, डैट कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ एटम्स. सो हेयर यू कैन इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ S8. ओके, और आप कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हो? Al2, SO4 thrice. ओके, तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स हो गया है, पॉलीएटॉमिक हो गया है. ओके, तो हेयर द नंबर ऑफ द एटम्स दे आर वेरी वेरी. जैसे दो एल्यूमिनियम है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 12. ओके, तो 12+3, 15, 16, 17. तो इसमें 17 एटम्स हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वी कंसिडर देम एज पॉलीएटॉमिक. चार से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारे पॉलीएटॉमिक में आ जाएंगे. यस, KMnO4 दैट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक. ओके, राइट, सो दिस इज द वेरी शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Very, very important concept, mole concept. Here in the mole concept, yes, Diren, from the 4 onwards, we treat them as polyatomic. ठीक है, चार तक आपके टेट्रा हो जाएंगे, पेंटा हो जाएंगे, हेक्सा भी आप ले सकते हो, हेप्टा, ऑक्टा. ठीक है,
तो इन जनरल आपके लिए हमने फोर के बाद जो है वो सारे पॉली एटॉमिक कह दिए हैं, ठीक है। अदरवाइज देर आर कैटेगरीज मोनो डाई ट्राई टेट्रा, पांच वाले को पेंटा भी कहते हैं, सिक्स वाले को हेक्सा कहते हैं, ठीक है। तो आपको वो मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर वो ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ेंगे, ओके। तो हमने इन जनरल यहाँ पर सारे ही उसके बाद पॉली एटॉमिक कह दिए। पॉली मीन्स मैनी, मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, ओके। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मोल कंसेप्ट। फर्स्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसमें हमने सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सही हुए तो एग्जैक्टली आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं मिलेंगे, ओके। तो डायरेक्टली नंबर मिल सकते हैं, डायरेक्टली नंबर कट भी सकते हैं, ओके। द सेकेंड थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूलाज, डोंट राइट देम डायरेक्टली। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। स्टिल इन योर असाइनमेंट देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग डाउन द फॉर्मूलाज डायरेक्टली। पेपर में अगर आप डायरेक्टली लिखोगे नंबर कट जाएंगे, एंड सेम इज विद दिस। इसके न्यूमेरिकल्स को डायरेक्टली सॉल्व करोगे नंबर कट जाएंगे, बिकॉज देयर इज स्टेप मार्किंग। इफ यू आर राइटिंग द फॉर्मूलाज एंड यू आर पुटिंग द वैल्यूज एंड देन यू आर सॉल्विंग देन, देयर इज स्टेप मार्किंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली कुछ नहीं पुट किया है, डायरेक्ट आंसर दे रहे हो, तो नंबर भी कट जाएंगे उसके, बिकॉज यू हैव नॉट डन द न्यूमेरिकल इन अ स्टेप वाइज प्रोसेस, ओके। तो ऐसे ही केमिकल फॉर्मूलाज के नंबर है, स्टेप वाइज लिखोगे, सिंबल्स लिखे होंगे, वैलेंसी लिखी होंगी, फिर फॉर्मूला डिराइव किया होगा, तब नंबर मिलेंगे, ओके। सो मोल कंसेप्ट, सपोज आई हैव गिवन यू 1 kg ऑफ शुगर। मैंने आपको चीनी दी है, 1 किलो चीनी दी है, 1 kg ऑफ शुगर, ओके। एंड आई एम टेलिंग यू टू कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट, ओके। इफ आई टोल्ड यू दैट आई एम हैविंग 1 kg ऑफ शुगर एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी शुगर पार्टिकल्स आर देयर इन 1 kg ऑफ शुगर, आर यू एबल टू कैलकुलेट? आप मुझे बता सकते हो कितने उसमें शुगर पार्टिकल्स हैं? 10 हैं, 20 हैं, कितने होंगे? हाँ, आर यू एबल टू टेल मी दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर? नो, दे विल बी इनफाइनाइट इन नंबर, दे विल बी इन थाउजेंड, दे विल बी इन लाइक मिलियंस, ओके। तो सेम इज द केस, सेम इज द केस विद दिस एटम्स। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, वी आर हैविंग दीज एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स में, इन एलिमेंट्स में जो इनके एटम्स हैं, दे आर वेरी वेरी लार्ज इन नंबर। इन एलिमेंट्स में जो इनके एटम्स हैं, दे आर वेरी वेरी लार्ज इन नंबर, ओके। तो जैसे आप 1 kg ऑफ शुगर में नहीं देख सकते हो कि शुगर पार्टिकल्स कितने हैं, वैसे ही मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नहीं देख सकती कि इसमें नाइट्रोजन के, कार्बन के या ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। आई कांट सी, ओके। तो देयर वॉज अ साइंटिस्ट कॉल्ड मोल, ओके, देयर वॉज अ साइंटिस्ट। तो उसने क्या कहा था कि इन जनरल अगर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देयर इज वन रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स, ओके। व्हाट ही सेड दैट देयर इज वन रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड इट्स नंबर ऑफ एटम्स। तो उसको, उस रिलेशन को उन्होंने क्या कहा? मोल। व्हाट दे कॉल्ड दैट रिलेशन एज? मोल, MOLE, मोल, ओके। वेयर ही सेड दैट 1 मोल, अगर मैं कोई भी चीज लेती हूँ 1 मोल में, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स और एटम्स, ओके। क्या कहा उसने? 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में, ओके। नाउ व्हाट ही मींस बाय दिस,
इसका क्या मतलब था? दिस नंबर दैट आई हैव रिटन हेयर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कॉल्ड दिस नंबर एज एवोगैड्रोस नंबर. क्या कहते हैं हम इसको? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं. और शॉर्ट हैंड नोटेशन में मैं इसको कई बारी एन नॉट भी एक्सप्रेस करूंगी. तो इफ आई हैव रिटन एन नॉट दैट इज अंडरस्टूड कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहे हैं. यस आदित्य. एक्सक्यूज मैम, प्लीज रिपीट कर दो मैम, मेरा नेट चला गया था, आवाज नहीं आ रही. हां जी बिल्कुल भी मैम, प्लीज वो रिपीट कर दो मैम, मेरा नेट चला गया था, आवाज नहीं आ रही थी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मोल, वन मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इट कंसिस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कहते हैं कि आप कोई भी एलिमेंट लो और उसका आपने वन मोल लेना है. ओके, किसी भी एलिमेंट का आपने वन मोल जब लिया तो उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इसमें फिक्स्ड होंगे. जैसे सपोज आपको पता है कि अगर मैं डजन कहूं तो डेट इज अंडरस्टूड कि हम 12 की बात कर रहे हैं. डेट इज अंडरस्टूड ना. इफ आई से दैट आई हैव ब्रॉट टुडे अ डजन ऑफ बनानास, तो डेट मींस व्हाट, कि मैंने बनानास खरीदे हैं, 12 बनानास मैंने खरीदे हैं. ओके, डजन मींस 12. तो सेम वे से उसने भी क्या कह दिया है, उसने भी एक क्वांटिटी फिक्स कर दी है. कहता है कि आप अगर कोई भी चीज वन मोल लोगे तो उसमें इतने पार्टिकल्स हमेशा प्रेजेंट होंगे. ओके, तो उसने भी जो 12 है, जैसे आपने 12 को डजन में कहा है, उसने भी वन मोल को किसमें कह दिया है. ठीक है, सो हेयर मोल रिप्रेजेंट योर डजन एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट 12. ओके, तो इन द सेम वे उसने क्या कहा कि अगर आप कोई चीज ले रहे हो वन मोल, या आप कोई किसी भी एलिमेंट का वन मोल देखोगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 × 10⁻². ओके, इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज वन टेबल, आपने वो टेबल बनाना है. ओके, एंड योर न्यूमेरिकल्स दे विल बी सॉल्व विद इन अ मिनट. ठीक है, बस टेबल को याद करने की जरूरत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. द टेबल इज गोइंग टू लिंक the mole atoms जो आपने यहां पर लिखे हैं ये वाले and mass. If you can see here I have written given mass. मैंने simple नहीं लिखा है, मैंने एक term introduce की है यहाँ पे, given mass. और ये mass हमेशा आपको given होगा. This mass will be given to you. Okay, नहीं given होगा तो हमें निकालना पड़ेगा. ओके, दिस इज गिवन मास, दिस इज मोल एंड दीज आर दी एटम्स. दो तरह से एरोज लगानी है हमने, एक आगे और एक पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरोज. सी, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम मोल टू एटम्स, जब आप मोल से एटम्स में जाओगे, ओके, जब आप मोल से एटम्स में जाओगे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. जब आप एटम्स से वापस मोल पे आओगे आपने क्या करना है, डिवाइड करना. सेम इज द केस विद दिस, जब मैं मोल से मास में जाऊंगी तो मैंने मल्टीप्लाई करना है, जब मैं मास से वापस मोल पे आऊंगी तो मैंने डिवाइड करना है. किससे? मल्टीप्लाई तो डिवाइड लिख लिया, बट किससे? व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द एटम्स, जब हम एटम्स देख रहे हैं तो हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू द मास तो आपने उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है विद द मॉलिक्यूलर मास. अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मतलब जो आप निकालते हो ना मासेस, जो हमने आपको मासेस निकालने सिखाए हैं उसके साथ करना है. तो पहले आप उसका मास निकालोगे, फिर जो उसका मास आया उसके साथ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे. दिस इज वन सिंगल टेबल, यू हैव टू लर्न दैट एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न इट. कंसिडर योर हेड एज मोल, और ये दोनों जो आपकी आर्म्स है, एक एटम ले लो और एक मास ले लो. तो जब आप हेड से आर्म्स पे जा रहे हो
तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, जब वापस आ रहे हो तो यू हैव टू डिवाइड. ओके, सो कंसिडर योर हेड एज मोल एंड दीज टू आर्म्स लाइक दिस. ठीक है, तो मोल से मास में गए हैं या मोल से नंबर में गए हैं तो मल्टीप्लाई करना है, जब आप वापस आ रहे हो तो यू हैव टू डिवाइड. ओके, किससे करना है वो भी अंडरस्टूड है. एटम यानी कि नंबर है, तो नंबर एक ही बताया मैंने, एवोगैड्रो नंबर. मास, मास भी एक ही बताया है, मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास. तो मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? समझ आया कि नहीं बताओ, फिर ही मैं आपको न्यूमेरिकल करवा सकूंगी. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. अब इस टेबल को यूज कैसे करना है हमने वो मैं आपको बता देती हूँ. सो राइट डाउन वन न्यूमेरिकल नाउ, बिकॉज मोल कंसेप्ट में हमने न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करने हैं. सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल. हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट. How many moles of carbon dioxide are present in 51.2 gram of it? The first thing that you have to do, आपने ये टेबल बना लेना है, उसमें जो चीज आपको गिवन है आपने वो लिख लेनी है. ओके, तो आपको गिवन क्या है, ये कुछ ग्राम्स में दिया हुआ है मेरे को. ओके, समथिंग इज गिवन इन द ग्राम्स, तो ग्राम्स है इसका मतलब ये तो मास ही होगा कुछ. ठीक है, सो दिस इज आर गिवन मास जो हमें गिवन है. सो दिस इज नोन, ये हमें पता है, वी नो डैट नोन. क्या निकालना है हमने, हमने निकालने हैं मोल्स. दिस इज नॉट गिवन टू अस, तो मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मैंने ये निकालना है. एंड डू रिमेम्बर वन थिंग, ऑलवेज यू हैव टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन. हमने कहां से कहां तक जाना है, हमने नोन से जहां पर हमें पता है वहां से कहां तक जाना है जहां तक हमें कुछ नहीं पता. दैट मीन्स यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इधर हम जाएंगे. दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माई एंडिंग पॉइंट. अब मैंने ऐसे मूव करना है, तो ऐसे मुझे कौन सी एरो लेके जा रही है, इस साइड सी, इधर वाली एरो कि इधर वाली एरो, दिस एरो. दिस एरो इज मूविंग मी टू दिस साइड. तो ये एरो क्या कह रही है, कहती जो गिवन मास है उसको लो, दैट इज 51.2, उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है. ओके, जो गिवन मास है उसको लो, फिर आप ऐसे एरो फॉलो करो. ये एरो आपको कह रही है दैट डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास, तो आपने इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है. तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. 12 plus 16 plus 16 दैट इज 44 ग्राम्स. तो हमने इसको 44 ग्राम्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना. ओके, सो 51.2 इट विल बी डिवाइडेड बाय 44. व्हाट इज द आंसर, आंसर बताइए बेटा. वेरी गुड. नाउ यू हैव टू राइट द यूनिट्स ऑल्सो. यूनिट्स कैसे पता चलेंगे, क्या पूछा था मेरे से, मोल्स पूछे थे, तो 1.16 के साथ हमने क्या लिख देना है, मोल. सो वी विल बी राइटिंग 1.16 मोल. न्यूमेरिकल देख लो एक बार, क्लियर है? ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं. दिस इज 51.2 दैट इज गिवन. ऑलवेज मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, ये मुझे पता है, मोल मैंने निकालना है.
तो मुझे जो एरो फॉलो कर रही है वो ये वाली है, ये एरो मुझे कह रही है कि आप डिवाइड करो मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो मैंने इस गिवन मास को किसके साथ डिवाइड कर दिया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। ओके, रेस्ट डाउट्स आई विल बी टेकिंग।